नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। कोयम्बटूर मेट्टुपालयम बस स्टैंड के पास शराब हमेशा उपलब्ध है, शराब के नशे में धुत नागरिकों की लीला, अज्ञानी पुलिस। कोयम्बटूर जिले में मेट्टुपालयम एक महत्वपूर्ण शहर है। दर्शनीय स्थलों की यात्रा और मनोरंजन के लिए वाटर पार्क बच्चों के अनुकूल सुविधाओं से भरा है और सुखद जलवायु के आसपास विभिन्न प्रकार के आवास हैं। यहां एक बड़ी सब्जी मंडी है क्योंकि आसपास का क्षेत्र कृषि से भरा हुआ है। ऊटी, कुन्नूर, कोठागरी, कुदालूर और केरल के महत्वपूर्ण मार्गों को मेट्टुपालयम से होकर गुजरना पड़ता है और पर्यटक मेट्टुपालयम में कम से कम एक दिन बिताना चाहेंगे। पहाड़ी मार्ग पर मेट्टुपालयम से ऊटी तक एक पारंपरिक ट्रेन चलती है। इसके अलावा चूंकि मेट्टुपालयम में विभिन्न हिस्सों के लिए ट्रेन की सुविधा है, मेट्टुपालयम एक केंद्रीय शहर है जहां विभिन्न लोग आते जाते हैं। अगर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे, अवैध गतिविधियां भी बड़े पैमाने पर हैं। इसी तरह मेट्टुपालयम में गुटखा, हंज, ड्रग्स, 3 नंबर लॉटरी, वेश्यावृत्ति जैसी विभिन्न अवैध गतिविधियां हो रही हैं। मेट्टुपालयम बस स्टैंड के सामने चेंटल सीएससी कॉम्प्लेक्स के पास सरकारी शराब की दुकान नंबर 1786 तस्माक बार के सामने वाली दुकान पर 24 घंटे खुला रहता है और नागरिकों द्वारा पसंद की जाने वाली शराब अत्यधिक कीमतों पर बेची जा रही है। आम मजदूरों से लेकर ऊटी घूमने आने वाले पर्यटकों तक सभी शराब प्रेमियों को 24 घंटे इस शराब की दुकान पर कटहल पर मक्खियों की तरह भीड़ लगाते देखा जा सकता है। इसका कारण यह है कि नीलगिरी जिले में अवैध शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद हो गई है। मेट्टुपालयम शराब प्रेमियों का डेरा है। इसका फायदा उठाकर कई असामाजिक तत्व इलाके में घूमते हैं और नशे में धुत पर्यटकों से महंगी वस्तुएं और उनके पास मौजूद हर चीज छीनकर फरार हो जाते हैं। इसके अलावा नशे में धुत पर्यटक पर्याप्त लीला नहीं कर पाते हैं। नशे में धुत शराबी साहसिक गतिविधियों, अश्लील शब्दों, आधे अधूरे नृत्य और अनुचित इशारों में लिप्त रहते हैं। इसके कारण पर्यटन के लिए आने वाले परिवार, लड़कियां, मेट्टुपालयम बाजार आने वाली लड़कियां, बस स्टेशन आने वाली लड़कियां, स्कूल और कॉलेज के छात्र स्वतंत्र रूप से घूम नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्षेत्र के लोगों ने दर्द से कहा। मेट्टुपालयम में जो एक प्रमुख पर्यटक शहर है, नशे में अत्याचार, क्या कोयम्बटूर पुलिस अधीक्षक कार्रवाई करेंगे? क्या कोयम्बटूर जिला कलेक्टर ध्यान देंगे? देखो और इंतजार करो। स्टेट क्राइम रिपोर्टर सुब्रमणी की रिपोर्ट।